If you are going to these places, please सुबह जाना, because सुबह crowd कम रहता है। मुझे नहीं लगा कि वो इतना amazing था। I would rated three out of five, because उससे ज़्यादा I don't know, so I can rated, क्योंकि मुझे ताँ कुछ खास वो लगा नहीं। Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new to my channel, then hello, my name is Archita, and please do not forget to hit the subscribe button. सो so, मैंने दिया खुद को एक छोटा सा चैलेंज जिसमें मैं जाऊंगी एनसीआर के टॉप लोकल मार्केट्स में और शॉप करूंगी थ्री थाउजेंड रुपीज में ये मेरा बजट रहेगा थ्री थाउजेंड का और साथ ही साथ मैं इन मार्केट्स को रिव्यू भी करूंगी आपको थोड़े इंसाइट भी दूंगी कि ये की मार्केट्स की हाइप है इज इट एक्चुअली वर्थ वर्थेड या फिर ओकेशन okay, सो so मैं आपको उसमें रिव्यू भी दूंगी आउट ऑफ फाइव आपको वहां जाना चाहिए या नहीं बिकॉज कई बार होता है कि उसकी इतनी हाइप होती है पीपल टॉक सो मच अबाउट दीज मार्केट्स एक बार जाके ही पता चल सकता है तो मैंने थ्री थाउजेंड में कितनी शॉपिंग करी क्या करी टू फाइंड आउट एवरी थिंग स्टेट उर द लास्ट क्योंकि लास्ट में मैं आपको रिवील करूंगी मैंने जो शॉपिंग करी है थ्री थाउजेंड रुपीज में एंड नाउ लेट्स बिगे विद आवर वीडियो हाय गाइस गुड मॉर्निंग तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए और आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड थी तो आपने मेरे लास्ट क्लिप में दिखा है कार मैं कैब से गई थी वहाँ पे एंड वो डिस्टेंस मेरे घर से ऑलमोस्ट एक घंटे का था तो मैं सुबह सुबह निकली थी आ, मैं थोड़ा सा अनॉइड भी थी अपने कैब वाले से बिकॉज वो फोन पे बात कर रहे थे ड्यू टू विच मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और मुझे उस पर वॉइस ओवर देना पड़ रहा था दिन वेदर भी बहुत ज्यादा खराब था बहुत ठंडी थी लाइक बिल्कुल रूप नहीं निकल रही थी आई वॉज लिटरली शिवरिंग बट ऑब्वियसली चैलेंज दिया है तो उसे कंप्लीट तो करना ही है सो so, मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ एक घंटे की जर्नी के बाद और अभी बजे बारह और आई थिंक बिल्कुल भी क्राउड नहीं था तो शॉपिंग करना बहुत इजी था तो आपने मेरे क्लिप में देखा कि मैं वहां मार्केट में पहुंच गई हूँ एंड नाउ लेट मी रिवील टू यू उसका नाम क्या है उस मार्केट का नाम है जनपद मार्केट आई एम श्योर जो लोग डेली से होंगे इवन बाहर के जो लोग होंगे उनको पता होगा इस मार्केट के बारे में तो ये जो मार्केट है ये लोकेटेड है सेंट्रल डेली में तो वहाँ पे पहुंचने के मल्टीपल तरीके हैं या तो आप मेट्रो ले सकते हैं आप जनपद तक की मेट्रो लो एंड यू कैन गेट डाउन फ्रॉम द गेट नंबर टू और वहां से आप सीधा मार्केट में आ सकते हैं सेकेंड इज आप, आप कैब ले सकते हो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो या फिर आप ड्राइव करके भी वहां पहुंच सकते हो बट पार्किंग का हो सकता है थोड़ा बहुत इशू रहे अगर आप सुबह पहुंचोगे तो नहीं रहेगा इतना इशू लेकिन अगर आप बाद में जाते हो तो डेफिनेटली वो जाएगी काफी क्राउडेड हो जाती है तो आपको वहां पे पार्किंग का थोड़ा इशू आएगा मी शो यू थोड़ा सा क्लिप्स वहां का कि वो कैसा है एरिया एंड कितना बड़ा मार्केट है क्या है एवरीथिंग सो आप लोगों को भी एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आप लोगों ने क्लिप्स में देखा कि वहां वो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है अगर आप वहाँ के लिए एक या दो घंटे में निकालोगे दैट इज सफिशियन एंड स्पेशली मेरा बिकॉज एक टारगेट था एक बजट था कि मुझे थ्री थाउजेंड से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करनी है ऑलवेज कीप योर बजट इन माइंड तो जिससे कि आप ज्यादा ना खरीदो एंड इफ यू आर गोइंग टू दीज प्लेसेस प्लीज सुबह जाना बिकॉज सुबह क्राउड कम रहता है उनका शॉप सुबह सुबह खुला होता है तो दे गिव यू गुड डिस्काउंट ऑल्सो तो आई थिंक दैट इज मोर बेनिफिशियल बिल्कुल सेंट्रल डेली में है तो इजिली एक्सेसिबल है दैट इज द गुड

छोटी छोटी सी अगर आपको भूख लगती है तो यू कैन ईट समथिंग फ्रॉम देयर समयको कुछ बहुत ज्यादा फैंसी भी नहीं मिलता है इन सब जगहों पे बट आप कहीं पर रेस्टोरेंट ऑल यूज नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको किसी सीपी के कैफे में जाना पड़ेगा जितना लोग जनपद के बारे में बात करते हैं आई एम श्योर उनके अपने ओपिनियन होते हैं बट एज पर माई ओपिनियन एंड एज पर माई व्यू की मुझे नहीं लगा कि वो इतना अमेजिंग था आई वुड रेट इट थ्री आउट ऑफ फाइव बिकॉज उससे ज्यादा आई डोंट इट क्योंकि मुझे इतना कुछ खास वो लगा नहीं वेराइटी भी ओके okay थी प्राइसिस भी मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे थे एज कम्पेयर टू सरोजनी ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट इसलिए मैं इस मार्केट में गई थी बट हैविंग सेड दैट मुझे इतना ज्यादा मजे नहीं आए इतना ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था भी नहीं प्लस एक्सपेंसिव तो था मे बी क्यूकी वो बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है उसका रीजन वो भी हो सकता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ की मैंने वहां से थ्री थाउजेंड में क्या क्या शॉप किया है सो लेट मी टेक यू थ्रू दैट सो फर्स्ट इज दिस वन आप देख सकते हो ये मैंने एक पोचू खरीदा था वहां से इट वॉज फॉर 400 बट मुझे लगता है वो प्राइस वाइज थोड़ा ज्यादा था अगर ये सेम सरोजनी में होता तो मुझे वो थ्री हंड्रेड की रेंज में मिल जाता बट आई रियली लाइक इट इसका जो फैब्रिक है, है, है और इसका ये, जो है, ये भी मुझे, you know, मुझे तो कॉम्बिनेशन मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा अभी इन वाले विंटर्स में तो मे बी इतना काम में नहीं आएगा मे बी एंड ऑफ जनवरी आई कैन यूज इट बिकॉज इट्स हाफ और अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है सो ऑफकोर्स आई नीड समथिंग बट uh, ये मुझे अच्छा लगा बट मुझे लगता है प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई था आई थिंक आई कैन इट फॉर द लेसर प्राइस इन सरोचनी तो अभी जो नेक्स्ट है वो है नाइट सूट जो मैंने वहां से दो क्यूट से नाइट सूट लिए थे फॉर विंटर्स लेट मी शो दैट टू यू फर्स्ट इज दिस वन हैज यू कैन सी योर ये बहुत क्यूट है एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी सही है लाइक like, विंटर्स में प्रॉपर काम करेगा यू व्यव वन इनर और उसके ऊपर आप ये डाल सकते हो एंड इट्स रियली रियली क्यूट ये मुझे 500 का पड़ा था बट uh, मुझे लगता है 500 हिसाब से आई थिंक इसकी क्वालिटी काफी सही है फैब्रिक भी अच्छा है बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है तो तो एज ए नाइट सूट ये बहुत अच्छे से काम करेगा प्लस जो इसकी जो सिलाई वगैरह हो रही है वो भी बिल्कुल ठीक है एंड आई रियली लाइक इट 500 की रेंज के हिसाब से ये मुझे बहुत ठीक लगा वहाँ पे यूजुअली वो शायद 650 का बोलते हैं बट 500 तक वो इजीली दे देते हैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में वेराइटी नहीं थी वे नाइट सूट्स की भी थी ओकेश था और यूजअली सब पे सेम ही पैटर्न था नाइट सूट में तो मैंने ये दो पिक किए थे वन इज़ दिस वन एंड इसका ये लोअर है बस मुझे लोअर में जो एक साइड पार्ट लगा की इसमें पॉकेट नहीं है दैट्स द ओनली थिंग बट उसके अलावा काफी सही है यार ये देखो यहाँ से भी ऐसे इलास्टिक वाला है नीचे से ऐसे लॉक्ड रहेगा ठंड के टाइम पे तो आई थिंक वो बिल्कुल सही रहता है क्योंकि ठंड में तो यार जितने लेयर्स पहनो और जितना कवर्ड होके रहो उतना ज्यादा सही है सेकेंड वन इज दिस वन ये आप देख सकते हो ये भी मैंने वहीं से खरीदा था ये भी बिल्कुल सेम मटेरियल में है सेम फैब्रिक है सब कुछ वही है तो ये बिल्कुल प्लेन में है इट हैज़ गॉट दीज लिटिल चेक्स और बाकी सब कुछ सेम है प्राइस भी सेम है इट इज़ फॉर फाइव हंड्रेड बट मुझे लगता है पाँच सौ के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है बिल्कुल सही है एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही पैसे दिए हैं पैसा वेस्ट नहीं हुआ है तो अभी तक आप देख सकते हो कि मैंने फोर हंड्रेड प्लस ये वन थाउजेंड सो फोरटीन हंड्रेड मेरा यहाँ पर खर्च हो चुका है एंड लेट मी शो यू कि मैंने और क्या क्या खरीदा है अभी तक इन मैंने ख़रीदी है ये छोटी सी ज्वेलरी सेट लेट मी शो यू बहुत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आप अपने किसी भी अपने इसको ट्रेडिशनल वेयर के साथ पहनोगे बहुत ज़्यादा अच्छे इनफैक्ट बहुत वेराइटी भी है इनके पास uh, देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की वेराइटी थी ऑलमोस्ट सेम था सब पे बट आई रियली लाइक दिस वन ये मुझे पड़ा था हंड्रेड रुपीज़ में और ये सौ रुपये के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है एंड द क्वालिटी एंड एवरी थिंग इज गुड और आप इसको मल्टीपल चीज के साथ पहन सकते हो सिंस दिस इज इन मल्टी कलर सो ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा काफ़ी अच्छा लगा आई नो मेरा टारगेट था थ्री थाउजेंड रुपीज बट मैं उतना भी नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया था एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी तो इसलिए मैंने उतना ही खरीदा जितना मुझे लगा कि हाँ ठीक है इट्स वर्थ इट मी शो यू अनोदर लास्ट टू आइटम्स जो मैंने खरीदे हैं वहाँ से ये है बहुत क्यूट सा कार्डिगन स्टाइल में एंड इट्स वेरी नाइस इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है ये ठंड में डेफिनेटली काम करेगा यूजअली व्हाइट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे थोड़े स्पॉट्स वगैरह पड़े रहते हैं बट ये मुझे काफ़ी साफ सुथरा सा मिल गया था बट मुझे लगता है ये मैंने थोड़ा सा महंगा खरीदा है ये मुझे फोर हंड्रेड का पड़ा था बट आई थिंक ये थ्री हंड्रेड का या टू फिफ्टी का मुझे ईजीली सरोजनी में मिल जाता बट जस्ट मुझे ये काफ़ी पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया बट अगर आप और ज़्यादा बार्गेनिंग करा सकते हो तो प्लीज़ गो एंड डू दैट और ये मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक like इसका इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है को प्रॉपर विंटर्स में काम करेगा ही करेगा सो आई रियली लाइक इट आप इसको जीन्स के साथ स्कर्ट के साथ किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो एंड इट विल लुक रियली रियली क्यूट और मैंने एक स्कर्ट भी ली थी इसके साथ एंड यू कैन सी के मैंने इनको पेयर बना के पहना है एंड इट लुक्स रियली नाइस और ये स्कर्ट भी काफ़ी सही है लाइक यू कैन सी ये पूरे ऐसे फर फर आ रहे हैं इसमें और ये मुझे पड़ी थी थ्री हंड्रेड की um, बट मुझे लगता है इसका मटेरियल बहुत अच्छा है इसके नीचे आप प्लीज वाला स्टॉकिंग्स पहनो एंड यू कैन वेयर दिस विद नाइस ओवरकोट एंड हाई नेक तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको कहीं रात में बाहर जाना है तो सो आई थिंक दिस इज़ गिविंग वेरी पार्टी वाइब तो मुझे ये कलर भी बहुत प्यारा लगा था एंड पहन के भी काफ़ी अच्छी है तो मैंने वहाँ से एक और स्वेटर ख़रीदा था वो मैं आपको दिखाना भूल गई सो दिस इज़ द हाफ स्वेटर जो मैंने वहाँ से ख़रीदा है एंड आई रियली रियली लाइक इट इट्स वेरी नाइस वेरी स्मार्ट स्वेटर आप इसको ऑफिस में भी वेर कर सकते हो इवन कैजली यू कैन गो फॉर दिस दिस इज स्लीवलेस एंड इसके नीचे हाई नेक वगैरह पहन के इसको पेयरअप कर सकते हो इट विल लुक रियली गुड सो मुझे ये इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा लगा ये मुझे पड़ा था थ्री हंड्रेड का बट आई थिंक इट्स वर्थ द मनी बिकॉज ये बहुत अमेजिंग है और इसका फेब्रिक की बात करूवन जो इस पे काम भी हो रहा है बहुत ज्यादा सुंदर सा काम है लाइक like, कहीं से भी ऐसे धागा नहीं निकल रहा बहुत नीट एंड क्लीन है यू so, नो you know, कई बार ऐसे होता है कुछ टंगा होता है एंड आपको दूर से ही वो दिख जाता है कि यस आई लाइक दिस वन आई वांट टू बाय इट बट आई हैव नो रिग्रेट्स है बहुत अच्छा लगा मुझे और टोटल uh, तो 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 अगर शॉपिंग की बात करें तो मैंने स्पेंड किया है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की एंड आई थिंक इट वॉज वर्थ इट एक आध चीजों में मुझे लगा कि मैंने शायद थोड़ा पैसा ज्यादा दे दिया था बट इट्स ओके मैं बहुत टाइम ब जनपद गई थी तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि क्या रेट चल रहा है वहां पर सो मे बी आई कुड नॉट बार्गिन दैट मच बट ऑफकोर्स सरोजनी का मुझे आइडिया है, थोड़ा बहुत ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं करने का मौका मिला नहीं। uh, कपड़े बहुत सारे मिल जाएंगे लाइक कार्गो पैंट्स स्वेटर्स एंड एवरी थिंग वहाँ पे है अवेलेबल आपको थोड़ा बहुत डिकॉर का भी सामान मिल जाएगा प्लस आपको ज्वेलरी वगैरह तो ही जाएगी वहां पर वो मार्केट थोड़ा रोड साइड से शुरू फिर अंदर जाता है और एक

एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड डिड आई मैनेज टू बाई एनीथिंग और नो फ्रॉम देयर तो प्लीज स्टे यून फॉर दैट एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट टू विद अनदर लोकल फेमस मार्केट इन एनसीआर सो स्टे स्टेट फॉर दैट टेक केयर एंड ब बाय